हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईलर्नर। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 2023 की, ठीक है। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डीबीटी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है जिन स्टूडेंट्स ने बीटेक, एमएससी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में आप जो बायोटेक की इंडस्ट्री होती है वहाँ पर आप 6 महीने ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप एक तरह से इंटर्नशिप कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स अक्वायर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ताकि जो जो फ्रेशर का टैग होता है उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं फुल टाइम जॉब के लिए बायोटेक इंडस्ट्रीज वगैरह में, क्योंकि आपके 6 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद आपकी फ्रेशर टैग हट जाती है, ठीक है। तो आप चलते हैं, आप बात करते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, किसके लिए? बी, बीटेक, एमएससी, एमटेक, बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है। इसमें आपको एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल स्किल्स और एक्सपीरियंस अक्वायर करने का मौका देती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एप्लीकेशन आप इनवाइट चालू हो गए, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 6 मंथ्स के ट्रेनिंग पीरियड के लिए, ठीक है। तो और इसमें साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा एज पर जो ट्रेनिंग नॉर्म्स होंगे, ठीक है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की जैसे मैंने बताया, बी, बीटेक, एमएससी, एमटेक, किसमें? बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स, अगर इन इसमें है, मतलब कुछ इसके साथ कुछ अगर अलाइड लाइफ प्रिंसिपल्स, फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो भी चलेगा, ठीक है। और आपका जो पासिंग ईयर होना चाहिए वो 2021-22 या 2020-21 तक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% है, ठीक है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स अभी फाइनल सेमेस्टर में, मीन्स कि जो बीटेक स्टूडेंट्स 8 सेमेस्टर में हैं या जो एमएससी या एमटेक स्टूडेंट्स 4 सेमेस्टर में, वो भी एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके सेंटर्स अराउंड द कंट्री होंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन जो होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरह होगा, ठीक है। और इसमें आपको अप्लाई करने के लिए थ्रू अप्लाई ऑनलाइन करना है इस लिंक पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाता कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और एप्लीकेशन फी करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की। तो इसमें आपको स्टाइपेंड 2 जगह से मिलेगी। सबसे पहले डीबीटी जो है 10,000 स्टाइपेंड देगा पर मंथ, और साथ ही साथ स्टूडेंट जिस कंपनियों में सेलेक्ट होंगे वहां से अभी आपको 9,000 पर मंथ मिलेगा, तो टोटल 19,000 स्टाइपेंड मिलेगी, ठीक है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ये जो एप्लीकेशन होगा 16 जनवरी को स्टार्ट होगा और क्लोज होगा 7 फरवरी को, ठीक। कोई क्वेरी आप तो इस मेल पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है बीटेक, एमएससी, बायोटेक, एमटेक, बायोटेक, बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए 6 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 16 जनवरी से। ओके, थैंक यू।